Hello everyone. So once again, welcome to our channel. Today we're going to discuss a very important topic of geography of Himachal Pradesh, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेशन लैंडस्केप फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, इस सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली जितने भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसे कि वेजिटेशन हो गया, लैंडस्केप हो गया, क्लाइमेट कैसी है, किस जगह की किस तरह की सॉइल पाई जाती है, तो ये सारे ही टॉपिक आज हम इस सेशन में कवर कर लेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। वेजिटेशन लैंडस्केप सब कुछ, अगर हम वेजिटेशन की खाली बात करते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है हिमाचल प्रदेश एग्जाम में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे जाते। लेकिन अगर हम जोन्स की बात करते हैं, जो क्लाइमेटिक जोन्स है डिफरेंट डिफरेंट, वहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है जो मैंने एक साथ क्लब कर दिए हैं और इन्हें आज हम इस सेशन में पूरी तरह से कवर करेंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थ्रू आउट दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में से या इस पॉइंट में से आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। बिफोर मूविंग, लेट मी टेल यू ऑल द स्टूडेंट ऑन न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन जो हम सेशन लेते हैं ये सारे सेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप नोट्स बना सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, देखो वेजिटेशन किसी भी जगह को किस चीज पर डिपेंड करता है, इस पर कि वहां की क्लाइमेट कैसी है, क्योंकि जिस तरह की क्लाइमेट होगी उसी तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाएंगे, उसी तरह का कल्टिवेशन हो पाएगा, फॉरेस्ट होंगे। ओके, सो इस चीज के लिए, समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट किस तरह की है। अब क्लाइमेट को अगर आप ऐसे याद करना शुरू कर दोगे, रोट लर्निंग करोगे, तो कई बार बहुत सारी चीजें हमसे मिस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो हिमाचल प्रदेश को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन से डिवाइड करेंगे, मतलब कहीं पर किसी तरह से क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया होगा। मैं आपको कुछ बेसिस बता देती हूँ यहाँ पे, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी क्लाइमेटिक जोन हो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर अगर ये तरह इस तरह का क्लाइमेटिक जोन है तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात की जा रही है। तो हमारे दो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम क्लाइमेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी जगह की क्लाइमेट। वो दो एलिमेंट कौन कौन से, हमारे प्रेसिपिटेशन, कि कैसा प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, और एक है हमारा टेम्परेचर, कि तो किस तरह का टेम्परेचर है वहां का। अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो हम उसे तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ड्राई, ह्यूमिड एंड वेट। ओके, और ये जब हम नीचे की साइड मूव करेंगे यहाँ पे, तो प्रेसिपिटेशन भले ही वो रेनफॉल हो या फिर हम स्नोफॉल की बात करें, ठीक है, तो वो नीचे की साइड जो है वो मूव करेंगे तो फिर प्रेसिपिटेशन का अमाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ये याद रखना है, बस ये डायग्राम याद रख लेना, आपको जितने भी क्लाइमेट कैटेगरीज है वो समझ में आने लगेंगे। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम इसे चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे रीजन टेम्परेट रीजन, बोलते हैं टेम्परेट रीजन, यानी बहुत कम टेम्परेचर होगा जहाँ पे, उसके बाद फिर सब टेम्परेट आएंगे, यानी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू दी टेम्परेट रीजन, ठीक है, सब टेम्परेट आ जाएंगे। फिर आते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल, ओके, यहाँ पे आएंगे सब ट्रॉपिकल, एंड देन वी हैव ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिक्स के बीच के रीजन है हमारे, उन्हें हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा देखा जाता है, खुद में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है, ये कोर ज्योग्राफी हो जाएगी। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो हमें, बस हिमाचल की पर्सपेक्टिव से समझेंगे ताकि हिमाचल की जो क्लाइमेट है उसे समझ सके। तो जब हम यहाँ से नीचे मूव करेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। अब इन्हीं डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, ठीक है, किसी भी जगह के क्लाइमेट को बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ड्राई लेते हैं और इस साइड हम टेम्परेट ले लेते हैं, तो अगर हम क्लाइमेट बता रहे हैं ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट, तो ड्राई टेम्परेट क्लाइमेट कैसी हो जाएगी, वहां पर लो प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, और टेम्परेचर भी लो रहने वाला है, ठीक है, यानी वो जगह ड्राई होगी और टेम्परेचर भी काफी कम होगा, जैसी हमारी कहाँ पाई जाती है, जो हमारे एल्पाइन रीजन है, जो हाई हिल रीजन है, हाई एरिया, हाई एलिवेशन एरिया, लाहौल स्पीति किन्नौर वाला जो एरिया हिमाचल प्रदेश में, वहां पर ड्राई टेम्परेट टाइप क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह वेरियस कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है, वेट सब टेम्परेट, ह्यूमिड सब टेम्परेट, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जा सकती है इन, एक साइड से प्रेसिपिटेशन और एक साइड से टेम्परेचर की कैटेगरी को लेकर। समझ में आ गया, कोई भी कैटेगरी आ जाएगी आप समझ पाओगे कि आखिर किस तरह की क्लाइमेट की बात हो रही है वहां पे, ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हिमाचल को,
मैंने जो कैटेगराइजेशन किया है वो फोर टाइप में किया, किसी किसी जगह आपको फाइव टाइप में मिलेगा, पर हम फोर टाइप में पढ़ेंगे ठीक है, और मैप के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे और थोड़ी क्लैरिटी आए कि देखो सही बात है ये इस तरह से किया जा रहा है। तो किसी भी जगह का टेम्परेचर किस चीज पे डिपेंड, किसी भी जगह का वेजिटेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, वहां की क्लाइमेट पे कितना एलिवेशन है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जिस तरह की क्लाइमेट होगी उसी तरह की वहां पे सॉइल फॉर्मेशन होगी, उसी तरह का रेनफॉल होगा, और रेनफॉल से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारा कल्टीवेशन क्रॉपिंग पैटर्न किस तरह का होने वाला है ठीक है। सो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले बात करते हैं ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट ठीक है। तो जो ये जोन है हमारा, ये हिमाचल प्रदेश का ऊपर वाला जोन है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, चंबा लाहौल, चंबा का कुछ पार्ट, लाहौल स्पीति पूरा हमारा, और किन्नौर ठीक है। तो ये जो हमारा रीजन होगा, ये पूरा रीजन है किसमें आता है हमारा, ड्राई टेम्परेट एल्पाइन हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर आता है ठीक है। तो अब यहाँ से आप बता ही सकते हो, मैंने अभी आपको समझा दिया है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्राई टेम्परेट की बात कर रहे हैं, यानी जो प्रेसिपिटेशन है वो भी काफी कम होगा और जो टेम्परेचर है वो भी काफी कम होगा यहाँ पे। तो लो प्रेसिपिटेशन लो टेम्परेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया ठीक है। तो अगर रीजन्स की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की, कौन से एरिया इसमें फॉल करेंगे, तो लाहौल स्पीति, किन्नौर और सम पार्ट्स ऑफ चंबा भी इसी के अंदर फॉल करेगा। तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा, ये कहाँ पर आता है हमारा, ड्राई टेम्परेट एल्पाइन हाईलैंड टाइप। एल्पाइन हाईलैंड टाइप क्यों बोलते हैं इसको, हाईलैंड क्लाइमेट एलिवेशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, और एल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो देखे जाते हैं, पाइन के, देवदार के, ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ज्यादातर ग्रो किए जाते हैं। तो ये वेजिटेशन है यहाँ का, जैसे कि मैंने आपको बताया वेजिटेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू दी क्लाइमेट और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन किस तरह का उस जगह का। तो ये हमारी पहली कैटेगरी हो जाएगी, क्लियर समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू, आगे मूव ऑन करते हैं ठीक है, ह्यूमिड वेट सब टेम्परेट जोन। अब आपको जब मैं बता रही हूँ कि देखो कई जगह पे आपको पांच कैटेगरी मिलेगी, तो क्या होता है कि कई जगह पर आपको ये ह्यूमिड और वेट सब टेम्परेट जोन जो है वो अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं, पर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही होता है कि ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन जो है उसमें थोड़ी ज्यादा बारिश होगी एज कम्पेयर टू वेट सब टेम्परेट जोन के ठीक है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में एज कम्पेयर टू वेट सब टेम्परेट जोन के, बाकी टेम्परेचर वही रहता है। अब यहाँ पे ह्यूमिड आ गया, तो यानी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इज मोर ठीक है देन दी ड्राई टेम्परेट, जो ड्राई टेम्परेट वाला एरिया था उससे ज्यादा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। और ये जो एरिया है ये कौन सा है, ये जो आपको ब्राउन कलर से एरिया दिखाई दे रहा है हमारा, कुल्लू का कुछ पार्ट है, चंबा का कुछ पार्ट है, कुछ कांगड़ा का पार्ट है, शिमला का रीजन है इसके अंदर, मंडी का रीजन भी आ जाएगा। तो ये हमारा आता है ह्यूमिड वेट सब टेम्परेट जोन ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एरियाज है जहाँ पे थोड़ी ज्यादा बारिश होगी एज कम्पेयर टू अदर एरियाज के, तो हाई प्रेसिपिटेशन एंड लो टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा, टेम्परेचर यहाँ पर भी लो रहेगा। आगे हम कैटेगराइज करके यहाँ की सॉइल वेजिटेशन सब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी बात करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन सा एरिया रीजन इसके अंदर पड़ेगा। तो देखो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर धर्मशाला जो एरिया है वो इसी रीजन में आएगा, मंडी के जोगिंदर नगर वाला जो एरिया है वो इसी में आएगा, चंबा का डलहौजी ठीक है, कुल्लू शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी, देखो ये तो पूरी यहाँ पर ही दिखाई दे रही है ठीक है, कुल्लू और शिमला वाली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गई, कुछ पार्ट मंडी का, सोलन का, चंबा का, कांगड़ा का, सिरमौर का, ये जो ये पार्ट है ये भी हमारे ह्यूमिड वर्ल्ड वेट सब टेम्परेट जोन के अंदर आएंगे। तो ये हमारी सेकेंड कैटेगरी हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करने की लायक है ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या पढ़ी थी, जब मैंने आपको बताया था माउंटेन रेंजेस के बारे में ठीक है, माउंटेन रेंजेस के बारे में बताया था, तो यहाँ पर हमारी ग्रेटर हिमालय वाली पड़ेगी, ग्रेटर हिमालय पड़ जाएंगे, यहाँ पर हमारे इनर हिमालय आ जाएंगे, और नीचे हमारे शिवालिक एरिया, शिवालिक रीजन आ जाएगा ठीक है। तो आप इससे भी कैटेगराइज कर सकते हो, देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा लिंक करके पढ़ने की कोशिश करो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, इसी वजह से इसी के अकॉर्डिंग इसी सीक्वेंस में हमने ये सेशंस आपके लिए आपको पढ़ाए हैं कि आपको धीरे धीरे लिंक बना सको, आप ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को एक कोहेसिव मैनर में समझ सको। अब अगर आप, आपसे कोई पूछता है तो आपको इस जगह का, इस एरिया का क्लाइमेट तो पता ही है, आपको ये भी पता है कि कौन सा रीजन पड़ रहा है। अगर कोई आपसे पूछने लगेगा कि ड्राई टेम्परेट जो रीजन है उसके अंदर कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट आती है, तो आपको पता चल ही गया है, ग्रेटर हिमालय का ज्यादातर पार्ट आएगा, कुछ इनर हिमालय का पार्ट भी आएगा वहां पे। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो और समझ सकते हो ठीक है। और ज्यादा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम आगे जब वेजिटेशन सॉइल पढ़ेंगे तो हम इसी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके पढ़ने वाले हैं।
तो ये सेकेंड कैटेगरी हो गई ह्यूमिड वेट सब टेम्परेट जोन की। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हाई प्रेसिपिटेशन होगा, लो टेम्परेचर रहेगा। ये जो हमारे रीजन्स है, ये जो ब्राउन कलर वाला रीजन है, ये इसी रीजन के अंदर में आएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। अब जब हम नीचे मूव ऑन करने लगेंगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम नीचे आएंगे थोड़ा एलिवेशन कम होगा, और यहाँ पर हम ट्रॉपिक से पास आएंगे तो जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया था सब ट्रॉपिकल जोन जो होता है उसके अंदर उसके वहां पर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेट से ज्यादा होता है, ठीक है, सब टेम्परेट से भी ज्यादा होता है। और ह्यूमिड है तो यानी यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो भी ज्यादा होगा, तो प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यहाँ पे रिलेटिवली एक दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है कि क्लाइमेट हमेशा हम रिलेटिव मैनर में पढ़ते हैं, हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट मैनर में नहीं होती है। जब भी आप किसी जगह का टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हो तो वो हमेशा रिलेटिव मैनर में पढ़ा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं रिलेटिवली जो हमारे अदर रीजन, ऊपर के जो दोनों रीजन है उनके कंपेरिजन में, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा थ्रू आउट द ईयर। दूसरी चीज एक इम्पॉर्टेंट होती है कि बारिश जब होगी, जो प्रेसिपिटेशन है अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ईयर तो उसे बोलते हैं कि वहां पर ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी लगातार थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, टाइम टू टाइम बीच में गैप लेके जो आपका बारिश वाला सीजन है वो आता है, बारिश होती रहती है, तो उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। अगर मैप के थ्रू तो आपको समझ में आ ही रहा है कौन सा रीजन इसके अंदर आएगा, लेकिन हम अगर नोट्स के लिए, अगर आपके बेटर नोट्स के लिए देखें तो देखो ये रीजन इसके अंदर आएगा हमारा, कुछ बिलासपुर का पार्ट होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन में जो है, ये हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। उसके बाद मेजर पार्ट्स ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ये देखने को मिलेंगे आपको, मेजर पार्ट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर, भटियात वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, देन नालागढ़ एरिया ऑफ सोलन, ठीक है, और हमीरपुर भी इसी के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखो ये रीजन है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक। और उसके बाद धेरा नूरपुर एरियाज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो ये सारा जो रीजन है, एरियाज है, ये किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू, ये हमारी थर्ड कैटेगरी हो गई है, दिस इज आर थर्ड कैटेगरी। मूविंग ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी, जो नीचे का एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये आता है हमारा सब ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे यानी बारिश भी होती है, क्योंकि बारिश होती है, और सब ट्रॉपिकल जोन भी है यहाँ पे, यानी जो टेम्परेचर है इट्स ऑलमोस्ट दी सेम एज इन दीज एरिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम रहता है यहाँ पे टेम्परेचर, लेकिन बारिश जो है यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है, प्रेसिपिटेशन जो है वो कम हो जाता है। जो यहाँ के समर्स होते हैं वो हॉट और ह्यूमिड होंगे, और जो विंटर्स होती है वो माइल्डली कूल होती है, थोड़ी ठंडी रहती है। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस एरिया में हमारे कौन से रीजन आने वाले, कांगड़ा का कुछ पार्ट, पूना का, हमीरपुर का, बिलासपुर का, सोलन, सिरमौर, ज्यादातर इसी एरिया में हमारे आएंगे। तो हमारी जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी तरह से इसमें पड़ती है, ये देख रहे हो आप, ठीक है, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी तरह से इसमें आएगी। फिर पांवटा साहिब एरिया ऑफ सिरमौर, जो नीचे वाला पार्ट है सिरमौर का, उसके बाद फिर इंदौरा एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, कुछ पार्ट हमीरपुर और बिलासपुर के भी इस एरिया में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं कल्टीवेशन की और वेजिटेशन की, तो जहां पे बारिश प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा वहीं पर बेटर कल्टीवेशन और वेजिटेशन देखने को भी मिलेगा। अगर हम ग्रोथ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो ये हमारा ये वाला रीजन है, ग्रीन और येलो वाला पार्ट जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कल्टीवेशन और वेजिटेशन देखने को मिलता है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट है हिमाचल प्रदेश के वो किस तरह के है, तो हिमाचल प्रदेश के जो फॉरेस्ट है अगर हम उसे कैंपियन और सेट के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो किस तरह के बोले जाते हैं वो, कॉनिफेरस, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है वहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और ब्रॉड लीव टाइप, ब्रॉड लीव फॉरेस्ट। तो इस तरह के फॉरेस्ट जो है, जो हिमाचल के फॉरेस्ट है वो सेट और कैम्पियन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉनी फॉरेस्ट और ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो आपको याद रखना है। यहाँ से आपके प्री में क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं भी आता है तो आप इसे यूज कर सकते हो अपने मेंस में फोडर मटेरियल की तरह, ठीक है। अगर हम बारिश की बात करते हैं, अब हमने एरिया देख लिया है, ठीक है, तो देखो जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, इस रीजन में जो ग्रीन वाला एरिया है इसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट रेनफॉल वाली जगह है वो कौन सी है, हमारी धर्मशाला है।
ठीक है, तो धर्मशाला में, धर्मशाला देखो इसी रीजन में पड़ेगा, धर्मशाला में हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है, कितना होता है, अराउंड 340 सेंटीमीटर। और जो लोवेस्ट रेनफॉल होता है यानी ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है हमारी, लोवेस्ट होता है हमारा स्पीति में। तो स्पीति रीजन में, जो हमारा स्पीति रीजन है उसके अंदर लोवेस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है, ड्राइएस्ट प्लेस बोला जाता है क्योंकि चारों तरफ से माउंटेन से कवर है वो। क्लियर है, समझ में आ गया। और अगर हम बात करते हैं कि किस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलता है, तो ड्राई स्क्रब टाइप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर हम ऊपर से, तो यहाँ पे ड्राई स्क्रब टाइप क्लाइमेट होगी। और नीचे जो होगा यहाँ पे भी ड्राई और ग्रासेस टाइप क्लाइमेट, पास्चर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे फिर हमें एल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा वेराइटी है छोटे से स्टेट में, लेकिन हम जैसे एलिवेशन में ऊपर मूव ऑन करेंगे तो जो वेजिटेशन है, क्लाइमेट है, उसमें काफी ज्यादा वैरायटी देखने को, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये हमारे 4 मेजर जोन्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो भी नोट डाउन कर लेना, दोबारा देख लेना सेशन को, पेपर और पेन लेकर बैठो। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें नोट डाउन कर लो, और दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से तो पक्का बन सकता है, हाइएस्ट रेनफॉल वाली जो हमारे एरिया है, जगह है उस पे, और लोवेस्ट रेनफॉल, ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी हिमाचल प्रदेश की, यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट टाइप भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर हम कैंपियन और सेप का क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा मेजरली यूज करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट है उसे किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर ये भी नहीं पूछते हैं तो आप अपने मेंस में इसे एज अ फॉर्टर मटेरियल यूज कर सकते हो। और डिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बता दी है। मूविंग ऑन टू ये जो क्लासिफिकेशन है, आप देखो ये एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से थी ये। और इसके अंदर इन्होंने जोन जो है वो डिफरेंट तरीके से डिवाइड किए हुए हैं। आप इस पर, ये हमारे वाली जोन है जो मैंने डिवीजन किया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अपने जो हमने कैटेगराइज किया उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हिल के एलिवेशन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर दिया, जैसे लो हिल, मिड हिल, हाई हिल, फिर से हाई हिल। ठीक है, तो देखो टेम्परेट ड्राई वही एरिया हो जाएगा जो हमारे ऊपर वाला एरिया मैंने आपको बताया था। टेम्परेट वेट भी हमें मिल गया है, सब ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल, हमने इन्हें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है फिर अलग से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने वाली है वो ये है कि आपको देखना है क्रॉप्ड एरिया किस रीजन में सबसे ज्यादा है। तो जो ये हमारा सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल था हमारे वाले एरिया में, उसमें 53% क्रॉप्ड एरिया है, यहाँ पे 33% क्रॉप्ड एरिया है, और यहाँ पे हाई टेम्परेट वेट में 11% क्रॉप्ड एरिया, जो टेम्परेट ड्राई है वहां पे सिर्फ 3% क्रॉप्ड एरिया है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे सबसे कम क्रॉप्ड एरिया है। ठीक है, कब सबसे कम क्रॉपिंग होती है वहां पे, सबसे कम कल्टीवेशन किया जाता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद इरिगेटेड एरिया की बात करते हैं तो इसी रीजन में सबसे ज्यादा इरिगेशन भी होता है। तो ये वही रीजन है जो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे ग्रीन वाला और येलो वाला पार्ट मिलके है, यही हमारा वो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन, क्रॉप्ड एरिया, साथ ही इरिगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादातर जो इरिगेशन है हिमाचल प्रदेश में वो रेन फेड है, और जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा वहीं पर जो रीजन है जो ज्यादा इरिगेशन होगा। क्लियर है, तो यहाँ से आप इस डेटा को यूज कर सकते हो। जब भी वेन एवर यू कम अक्रॉस सच डेटा, कोई भी रिपोर्ट ऐसी आपके सामने भी आती है, तो आपको क्या करना है उसमें से अपने एग्जाम से ओरिएंटेड, जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है उसको नोट डाउन कर लो। कभी भी ऐसे मिस नहीं करनी चाहिए, कोई भी रिपोर्ट आपको इस तरह की दिखती है तो डू नोट डाउन दी डेटा फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। इसी यही जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, आपके मेंस में आंसर्स जो होते हैं उनको डिफरेंट बनाती है बाकी सब स्टूडेंट के आंसर से। मूविंग ऑन टू द लैंडस्केप एंड सॉइल के फीचर्स। ठीक है, अब हमने पढ़ लिए, हमने जोन डिवाइड कर लिए। अब उस क्लाइमेट की वजह से जो डिफरेंट एरियाज है, जोन्स है हमारे, शिवालिक, इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय है, उनके लैंडस्केप और सॉइल के फीचर जो है वो डिफरेंट होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अब हम लिंक करके पढ़ेंगे, इसी वजह से इसी तरह से आप भी लिंक करके पढ़ सकते हो। हमने आउटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज को पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखेंगे कि इस जगह की जो जियोलॉजी है, जो लैंडस्केप फीचर्स है, सॉइल किस तरह के, कौन कौन से क्रॉप जो है वो मेजरली ग्रो किए जाते हैं, ये किस तरह के हिमालय। ठीक है, तो हम इन्हें 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आउटर शिवालिक, इनर हिमालयाज में पढ़ेंगे और ग्रेटर हिमालयाज में पढ़ेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू सबसे पहले जियोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे डेंड्रिटियल रॉक्स मिलती है, सैंडस्टोन मिलते हैं, सेल्स मिलती है आउटर शिवालिक्स में। ये मैंने जब आपको आउटर शिवालिक्स पढ़ाया था तभी पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है हमारी यहाँ पे। ठीक है,
सबसे ज्यादा कौन किस तरह की रॉक पाई जाती है आउटर शिवालिक्स में, हमारी सेडिमेंटरी रॉक्स पाई जाती है ग्रेटर हिमालयाज में, ठीक है, कम पाई जाती है जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे सेडिमेंटरी रॉक्स उतनी ज्यादा कम होती जाती है। फॉसिल रिच जो होती है वो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, हमारी सेडिमेंटरी रॉक्स होती है। इसी वजह से ये जो हमारी रॉक्स होंगी, सैंडस्टोन्स होंगे, सेल्स होंगे में फॉसिल्स ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आती है क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलेगी इनर हिमालयाज में, ठीक है, ग्रेफाइट, फलाइट, स्लेट्स, क्वार्ट्जाइट, तो ये सारी जो है हमारी मेटामॉर्फिक टाइप्स में आ जाएंगी। तो यहाँ पर फिर से सेडिमेंट्री जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, और यहाँ पर आपको ग्रेनाइट जो कि एक इग्नीशियस रॉक है वो मिलता है। यहाँ की जो रॉक्स होती है उनमें फॉसिल्स कम होते हैं, लेकिन कुछ रीजन में फॉसिल्स पाए जाते हैं। क्योंकि देखो जो ग्रेटर हिमालय की इनर डेप्थ इग्नीशियस रॉक कहाँ मिलेंगी, बहुत ही डीप इन अर्थ मिलती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सेडिमेंट से ही बनी होती है ज्यादातर। तो वो जो रिवर्स हैं, जो ग्रेटर हिमालय के रिवर्स हैं, उनके अंदर कुछ सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर भी कुछ जगह पर फॉसिल्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से लैक करेगी, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वहां पे लैक ऑफ फॉसिल है, और इसी वजह से यहाँ पर क्रॉपिंग भी कम होती है। क्योंकि सेडिमेंट जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे फॉसिल्स ज्यादा होते हैं, कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, वहाँ पे बेटर क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलता है, बेटर कल्टिवेशन हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लाइमेट। तो ये हमने बता दिया, मैंने आपको अभी बताया था कि लिंक करके पढ़ना है। यहाँ आउटर शिवालिक में आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे किसी जगह पर बारिश ज्यादा होगी और एक एरिया में बारिश कम होगी। रेनफॉल जो है वो 1500 मिलीमीटर तक रेंज करेगा, ठीक है, और इनर हिमालयाज में माइल्ड वार्म टेम्परेचर होता है, टेम्परेट टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे यहाँ से टेम्परेट स्टार्ट हो जाती है हमारी जो इनर हिमालय वाली जगह है, जैसे कांगरा हो गए, ऊपर वाला पार्ट हो गया कांगरा का, तो यहाँ से हमारी इनर हिमालय वाली रीजन पड़ेगा। यहाँ पर आपको वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ, माइल्डली वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगी। जो रेनफॉल है वो कितना हो जाएगा, 1500 टू 3000 मिलीमीटर रेनफॉल होगा। देन ड्राई टेम्परेट आ जाएगी, जहाँ पे फिर से रेनफॉल देखने को मिलेगी, कम फिर से कम हो जाएगा, और स्नो की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। रेनफॉल जो है वो कितना वेरी करेगा, 1000 से 1500 मिलीमीटर तक रेनफॉल वेरी करेगा। अगर वेजिटेशन की बात करते हैं तो किस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलता है आउटर शिवालिक में, नीचे वाले रीजन्स में आपको ड्राई डिसीडियस इस साल के पेड़, मिक्स वेजिटेशन, ग्रासेस, पास्चर्स, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ट्रांस ह्यूमस प्रैक्टिस करते हैं हिमाचल के बहुत सारे ट्राइब्स, ठीक है, जब समर्स होते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, विंटर्स में वो नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नीचे जो पास्चर लैंड होता है वो स्नो कवर्ड नहीं होता है, और उन्हें बेटर ग्रेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे पास्चर्स होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं। तो नीचे आउटर शिवालिक एरिया में जो आपको ट्रॉपिकल थॉर्न, ड्राई डेसिडियस साल, मिक्स वेजिटेशन देखने को मिलता है, ग्रासेस देखने को मिलती है, वेजिटेबल कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है, सोलन सिरमौर का जो एरिया है वहाँ पे वेजिटेबल कल्टीवेशन अच्छा देखने को मिलता है। फिर है उसके बाद हमारा इनर हिमालय वाला, यहाँ पर ब्रॉड लीव टाइप ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, पाइन्स भी होंगे यहाँ पे, ग्रासेस भी होगी, तो एक तरह से ये मिक्सड रीजन है, ठीक है, जो हमारे आउटर शिवालिक से और जो ग्रेटर हिमालय टाइप ऑफ फॉरेस्ट और वेजिटेशन है उसका मिक्स देखने को मिलता है इनर हिमालय में, ठीक है। जब हम ऊपर हाइट पे जाएंगे तो इस यहाँ के क्लाइमेट को हमने ड्राई टेम्परेट तो बोला ही था, उसके अलावा क्या बोला था, अल्पाइन हाईलैंड, यहाँ पे अल्पाइन टाइप ऑफ ट्रीज वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि देवदार के ट्रीज, स्प्रूस के, चेस्टनट के, वॉलनट के, मेपल के पेड़, तो ये सब देखने को ज्यादा मिलते हैं। ये आपको सब याद होना चाहिए, ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, डू नोट देम डाउन, सारे ही एक एक सिंगल पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की परस्पेक्टिव से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सॉइल स्केप, ठीक है। अब सॉइल किस तरह की पाई जाती है किस रीजन में, तो आउटर शिवालिक की अगर हम बात करते हैं नीचे वाले एरिया की, वहां पे वेल डेवलप्ड सॉइल होती है, ब्राउन होती है, फर्टाइल होती है, शेलो टू डीप समटाइम्स स्टोनी भी पाई जाती है। जहां पे स्टोनी सॉइल होगी ज्यादा, वहां पर जो कल्टीवेशन है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्टाइल नहीं होती है वो सॉइल, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्टाइल मिलेगी, फेयरली फर्टाइल इनर हिमालयाज में। इन दोनों का जो ट्रांजिशन जोन होगा वहां पर सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल मिलती है, वहीं पर सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है, जैसे कि हमारा शिमला वाला रीजन होगा, ठीक है। इनर हिमालयाज में एसिडी स्टोनी टाइप सॉइल भी मिलेंगी, शैलो टू मॉडरेटली डीप होती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू ग्रेटर हिमालयाज, यहाँ पे पुअरली फर्टाइल होगी, इनफर्टाइल होगी, मतलब पुअर से फेयरली इनफर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ही कम कल्टीवेशन हो पाता है। जो फॉरेस्ट होगा वहां पर, फॉरेस्ट में किस तरह का फॉरेस्ट होगा, अल्पाइन देवदार, तो वहां पर किस तरह की सॉइल पाई जाएगी, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल मिलती है, जिसके अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा रिच होती है, मोस्टली शेलो होती है, शेलो होगी तो फिर उसके अंदर कल्टिवेशन ज्यादा नहीं हो पाता है, हम ज्यादा कल्टिवेशन नहीं कर पाते क्योंकि डीप तक रूट नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो
सबसे ज्यादा अगर हम कल्टीवेटेड एरिया मानते हैं तो वो आउटर शिवालिक का जो रीजन है, थोड़ा सा ऊपर शिवालिक में, बेसिकली शिवालिक वाला जो रीजन है हमारा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एडेप्टेबल है और कल्टीवेशन के लिए अच्छा रीजन है। फिर इनर हिमालयस भी ठीक है, मोस्टली इनका ट्रांजिशन जोन ज्यादा बेटर होता है। ग्रेटर हिमालयस को बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इनफर्टाइल सॉइल है, कल्टीवेशन के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। मूविंग ऑन टू द इरोजन कंडीशंस, अब इरोजन कंडीशंस आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो हिमाचल प्रदेश में देखी जाती है। अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न की बात करें, ठीक है, तो सॉइल इरोजन जो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। अब वो किस किस वजह से हो सकता है, वो डिफॉरेस्टेशन जो एक मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है जिसकी वजह से कल्टिवेशन हो सकता है, साथ ही माउंटेन्स की जो ब्रेकिंग है जिसकी वजह से हम लैंड खाली कराते हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनकी वजह से इरोजन कंडीशन जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है, एंड इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सब आउटर शिवालिक में जब इरोजन होता है तो हम देखते हैं चॉस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आउट जो हमने पढ़ा भी था, जब मैंने आपको रेंजेस पर पढ़ाई थी कि चॉस क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ गली इरोजन जो कहाँ पे देखने को मिलता है, आउटर शिवालिक में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो ज्यादा स्टोनी नहीं होती है, ऊपर वाली लेयर में होती है, तो इजीली फ्लो हो जाती है। तो मॉडरेट से वेरी सीवियर इरोजन देखने को मिलता है, और किस तरह का होता है, शीट, जब एक पूरी ऊपर की परत इरोड हो जाएगी उसे शीट इरोजन कहते हैं। ज्यादातर पानी के फ्लो से, जो बहता हुआ पानी आता है उससे पूरा शीट इरोजन होता है। जब एक स्ट्रीम में फ्लो करेगा तब रिल या गली होगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रीम बैंक कटिंग, जो नदियां होती हैं वो ऊपर से आती नीचे आते आते उनको तूफान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो बैंक इरोजन भी करती है, बैंक कटिंग करती है, रिवर बैंक जो होते हैं वहां से कटिंग होते, धीरे धीरे इरोड होती चली जाती है, ठीक है, सॉइल होते। तो यहाँ पर मॉडरेट टू वेरी सीवियर इरोजन देखने को मिलता है। क्वेश्चन इस तरह से यहाँ से आपके फॉर्म हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया विटनेस द मोस्ट इरोजन, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा इरोजन देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा शिवालिक वाला एरिया है उसके अंदर इरोजन, सॉइल इरोजन देखने को ज्यादा मिलता है। इनर हिमालयाज में मॉडरेट टू सीवियर होता है, ठीक है, किस तरह का होगा, रील, गली और ओकेजनली लैंडस्लाइड्स होती है जिनकी वजह से इरोजन होता है। उसके बाद फिर अगर हम ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्लाइटली टू मॉडरेट होता है, वो भी किस तरह का, शीट और रील देखने को मिलेगा और लैंडस्लाइड से देखने को मिलती है। क्या क्लियर है, समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा इरोजन आउटर शिवालिक में, फिर इनर हिमालयाज में, और फिर ग्रेटर हिमालयाज में। अब बात करते हैं कल्टीवेशन की, परसेंटेज ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया, यानी जितना कल्टीवेटेड एरिया अवेलेबल है, जितने में कल्टीवेशन कर सकते हैं उसमें से कितनी परसेंटेज में कल्टीवेशन हो रहा है अभी। तो अगर हम शिवालिक की बात करते हैं तो अगर हमारे पास टोटल 100% एरिया कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है तो उसका 55% अभी कल्टीवेशन में जा रहा है आउटर शिवालिक। अगर हम इनर हिमालयस की बात करते हैं तो वहां पे 30% एरिया जो है वो भी कल्टीवेट किया जा रहा है आउट ऑफ द टोटल कल्टीवेटेड एरिया, जितना भी अवेलेबल है उसका 30% हम कल्टीवेट कर रहे हैं। और अगर ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं तो सिर्फ 10% एरिया है जिसको कल्टीवेट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसा है जो इनएसेसिबल है, पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर हम जो मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, वो वहां तक नहीं पहुंचा पाते। तो सिर्फ 10% एरिया है जिसको हम कल्टीवेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कल्टीवेशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम कल्टीवेशन जो है वो शिवालिक रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ की क्लाइमेट भी सुटेबल है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी काफी सुटेबल है फॉर द कल्टीवेशन पर्पज। मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, वेजिटेशन हमने देख लिया, क्रॉप्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। तो जो क्रॉप है वो व्हीट, मेज, पैडी, ग्राम, शुगर केन, मस्टर्ड, पोटैटो, आउटर शिवालिक एरिया में ज्यादातर आपको इस तरह की क्रॉप देखने को मिलेंगे। ल्यूगुमिनस क्रॉप को भी हम ग्रो करते हैं। ये जो क्रॉप है मोस्टली किस तरह के होने वाले हैं, रेनफेड और पार्टली इरिगेटेड, ये आपको थ्रू आउट हिमाचल कॉमन देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, रेन पे डिपेंड करेंगे, रेनफेड होंगे और पार्टली उन्हें इरिगेट किया जाएगा, ठीक है। तो व्हीट, मेज, पैडी, ग्राम, शुगर केन, मस्टर्ड, पोटैटो, वेजिटेबल, दीज आर दी मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दी आउटर शिवालिक रीजन। अगर हम इनर हिमालयस की बात करते हैं तो वहां पर मेज, व्हीट, पल्सेस, बार्ले, पैडी, वेजिटेबल ये देखने को मिलेगा। तो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे आपको वेजिटेबल की जो कल्टीवेशन है उसमें वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली वेजिटेबल कल्टीवेट किया जाता है। यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का यहाँ पे फ्रूट्स भी आएंगे। और अगर ग्रेटर हिमालयस की बात करते हैं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कल्टीवेशन होगा,
वीट में भी बक वीट जो कैटेगरी होती है हमारी वीट की, वो ग्रो की जाती है, बार्ले, मिलेट, पोटैटो, टेम्परेट वेजिटेबल्स जो हो जाएंगे हमारे, ठीक है, जैसे कैबेज, इन सबको ग्रो किया जाता है जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और ज्यादा ध्यान देने की, जो सब कुछ यहाँ से भी आएंगे, जैसे कि वॉलनट हम हो गया, हमारा एप्रिकॉट हो गया, ये ज्यादातर कहाँ पे ग्रो किए जाएंगे, ग्रेटर हिमालय में ग्रो किए जाएंगे, लेकिन मैंने जैसे बताया इनर हिमालय ज्यादा ट्रांजिशन जोन ऑफ शिवालिक्स एंड ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे आपको मिक्स क्रॉपिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ऊपर जाने पे आपको एप्पल, पियर्स, चेस्टनट, वॉलनट, इस तरह के क्रॉप फ्रूट देखने को मिलेंगे। अगर हम एप्पल्स की बात करते हैं तो एप्पल जो एक मेजर फ्रूट है हिमाचल प्रदेश का, सबसे ज्यादा जो ग्रो किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, शिमला में किया जाता है, ठीक है। 70% ऑफ द टोटल एप्पल प्रोडक्शन जो है वो कहाँ किया जाता है, शिमला के अंदर किया जाता है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे कुल्लू और तीसरे नंबर पे किन्नौर, ठीक है। तो इन रीजन में पहले पे शिमला, दूसरे नंबर पे कुल्लू, ठीक, और सेकेंड थर्ड नंबर पे किन्नौर में एप्पल प्रोडक्शन होता है, ये समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू नोट दिस डाउन। मूविंग ऑन टू आगे बात करते हैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेजिटेशन है ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, क्लाइमेट है, ठीक है, किस तरह का माउंटेन रीजन है, किस तरह की टोपोग्राफी है, ये सब कुछ एक साथ लिंक है। और आपको जब आप ये सब पढ़ रहे हो ना, तो कभी भी इन्हें सिंगुलरली नहीं मत पढ़ो, हमेशा कोहेसिव मैनर में पढ़ना चाहिए। पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करके आओ, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो उन लेक्चर्स को देखो, टोपोग्राफी पढ़ो, रेंजेस पढ़ो, ग्लेशियर्स पढ़ो, रिवर्स पढ़ो, उसके बाद फिर आप जब वेजिटेशन पढ़ोगे तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा कि क्यों किस तरह का वेजिटेशन किसी जगह पे क्यों है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन में इसी तरह का वेजिटेशन देखने को क्यों मिलता है। चलो आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है उसमें किस तरह की क्लाइमेट एक्सपीरियंस की जाती है, वेट टेम्परेट टाइप, सब ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, ड्राई टेम्परेट, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। सो द राइट क्वेश्चन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, बिल्कुल सही बताया आपने, सब सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो देखी जाती है, जहां पर जो बारिश है वो भी होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी, और जो टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा हो, कम नहीं होगा। जो हमारे वार्म और ह्यूमिड समर्स होंगे यहाँ पे, और जो विंटर्स होंगे वो माइल्डली कोल्ड होंगे। सिंधु, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिस दिन ये सेशन होता है उससे नेक्स्ट डे आपको ये पीडीएफ मिल जाती है, तो आपको कल जो है हमारे चैनल पे इस सेशन की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस इन मैक्सिमम रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जब बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, इसमें उन्होंने पूछा है कि किस तरह के क्लाइमेट जो है वो मैक्सिमम रीजन में देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश के। तो मैंने आपको बोला था कि मैप को बहुत ही ध्यान से पढ़ो, एक मैप पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे अभी तो एग्जाम पास में है तो आप बेटर होगा कि मैक्सिमम मतलब रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन अ डेली बेसिस, तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार सुबह उठकर हिमाचल का मैप देख लो, एक बार आपको सुबह से पहले हिमाचल का मैप पढ़ लो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में आप पूरे मैप को कवर कर चुके होंगे। जस्ट लुक एट इट एंड ऑब्जर्व व्हाट यू आर सीइंग, जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा एनालाइज करो कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इस तरह की रीजन यहाँ पे है, तो आप मुझे बताओ, अगर आप मैंने जो मैप दिखाया था अगर आपने उन्हें ध्यान से देखा होगा तो आप बता पाओगे कि किस तरह की क्लाइमेट एक्सपीरियंस की जाती है मैक्सिमम रीजन में हिमाचल प्रदेश के, वेट टेम्परेट, सब ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, ड्राई टेम्परेट, एल्पाइन, नन ऑफ दी अबव। इसी तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है एचपीएससी एग्जाम में, HPSC में, दोनों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पूरी तरह से सही है। तो एक बार मैं मैप दिखा देती हूँ, सो लेट्स सी द मैप, ये रहा, तो देखो ये जो रीजन है हमारा ब्लू वाला, ये मैक्सिमम रीजन कवर कर रहा है, ठीक है, चंबल पूरा, लाहौल स्पीति आ रहा है पूरा, किन्नौर आ रहा है ऑलमोस्ट इसमें, तो ये हमारा कौन सा था, ड्राई टेम्परेट एल्पाइन हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि इनमें से कौन सा रीजन होगा जिसके अंदर हाईएस्ट एरिया ऑफ कल्टीवेशन अंदर आएगा, जहाँ पे बेटर ह्यूमिडिटी होगी, बेटर प्रेसिपिटेशन होगा, बेटर टेम्परेचर होगा, वहां पे ज्यादा कल्टीवेशन हो पाएगा क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा भी था जब मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में समझाया था कि कौन से रीजन में हाईएस्ट कल्टीवेशन देखने को मिलता है,
55% एरिया जो है वो कल्टीवेट किया जाता है उस रीजन का। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज शिवालिक एरिया जोन। ठीक है, तो शिवालिक माउंटेन रेंजेस जो है वहां पर देखने को मिलता है कि हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन, सॉरी हाईएस्ट कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि 55% ऑफ द टोटल क्रॉपिंग एरिया जो है वो क्रॉप्ड एरिया अवेलेबल जो है उसको कल्टीवेट किया जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर, ये क्वेश्चन नंबर फोर होगा, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश, मैंने अभी बताया था आपको, सो जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा वो इसका आंसर बिल्कुल ठीक बताइए। कहाँ पर लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है हिमाचल प्रदेश में होता है, शिमला में, सिरमौर में, किन्नौर में, स्पीति में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि किन्नौर स्पीति बहुत पास पड़ता है और हमें लगता है कि किन्नौर होगा, बट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्पीति जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। मूविंग ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग जोन हैज द फेयरली इनफर्टाइल ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से किस जोन में आपको इनफर्टाइल ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगी, ये भी हमने अभी पढ़ा है अपने लेक्चर में, तो डू टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर आपको मुझे कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना होगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन आर गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, और आप इन्हें अच्छे से पढ़कर जाएंगे, जो सेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आपके सामने कंटेंट को लेकर आए, आपको समझा पाए। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जी के, जो कि खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर एनी एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मीट अस ऑन दिस ईमेल आईडी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपने तैयारी की है, आप तैयारी करते रहोगे इसी तरह, तो जरूर इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। थैंक यू सो मच। Thank you.